हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास है कैनन का कैमरा। पर ये कौन सा कैमरा है तब पता चलेगा जब हम इसको फ्लिप करेंगे। तो देख सकते हैं, ये है EOS R8। इसका प्राइस आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। तो प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, पहले तो इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है। तो ऐसे ही अनबॉक्स होता है, इसको ऐसे करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कैनन का, इसमें सर्विसिंग कहाँ कहाँ पे, वारंटी कार्ड है। फिर उसके बाद R8 का ये आपका यूज़र मैनुअल, ये आपको दिया जाता है। यूज़र मैनुअल के बाद ये एक वेबसाइट जिसमें आपको बताया गया है कि आप यहाँ यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं अपनी इमेज को। ये आपका चार्जर है, तो इसमें कैसे चार्ज होगा ये देखते हैं। चार्जर कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पर ये एडाप्टर का वायर लगेगा। तो इसको मैं निकालता हूँ, ये देख सकते हैं प्लग है, 2 पिन है, और सिमिलर इसका कनेक्टर है जो प्रिंटर के कनेक्टर से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लगेगी, ऐसे किसी भी साइड से आप लगाइए, ये चीज़ ऐसे लगेगी। और ये चीज़ लगेगी आपकी स्विच बोर्ड पे, सॉकेट पे आप लगाइए 2 पिन को। ये आपका छोटा सा जो दिख रहा है ये बैटरी है। वैसे तो R8 की बैटरी काफ़ी छोटी है, इस वजह से इसमें हम इसी के पैरेलल एक कैमरा आता है, उसको हम बोलेंगे 2 साल पुराना कैमरा है, क्योंकि R8 2023 में रिलीज़ हुआ है। जबकि निकॉन का Z5 जो है वो 2000 में रिलीज़ हुआ है, सन 2000 में। तो उसका बैटरी बड़ा रहता है और उससे ज़्यादा फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये आपका चार्जर है, उस चार्जर पे यहाँ पे पिन दिख रहे हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे अटैच करना है। अब इसको क्या करना है, प्लग को लगा देना है, बैटरी जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं, तो बैटरी के हमने चार्ज पे लगा दिया है। और चार्ज पे लगाने के बाद देख सकते हैं इसमें चार्ज का लाइट जल रहा है, ये येलो लाइट है। अब जब फुल हो जाएगा तब ये वाला लाइट जलेगा, तो अभी ये चार्ज हो रहा है, इसको चार्ज होने देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है अगला। अगला है हमारे पास हमारा लेंस। इसमें आप देख सकते हैं ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस दिया हुआ है, स्टेबलाइजर भी है, ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑन पे ही रखते हैं हम। 24-50 का ये लेंस है, खोल के देखते हैं। ये ऐसा 24-50 का लेंस है, कैनन का ही, मेड इन ताइवान है। इसमें एक यूवी प्रोटेक्ट लगाना पड़ता है ताकि लेंस ख़राब ना हो, उसको हम लगाएंगे बाद में।
और इधर से आप ये सामने की तरफ से इसी से लाइट आएगी और ये वाला आपके कैमरा के जो बॉडी है उससे कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा देखेंगे, पहले इसके ढक्कन को लगा देते हैं। ये कैसे कनेक्ट होगा, ये इसका लॉक है। इसका लॉक आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम अच्छे से लॉक कर देंगे ऐसे, और सामने वाले को भी इसको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करके ऐसे यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, सॉरी प्रेस करने के बाद, सॉरी उल्टा हो गया। ये जो है सामने का है, ये ऐसे हो गया और ये सामने का हो गया आपका, ऐसे लॉक हो गया। तो ये हमारा लेंस है, 24-50 लेंस, इसके साथ किट लेंस है, इसी के साथ मिला है 24-50 का किट लेंस है। फाइनली टाइम आ गया है कैमरा बॉडी को देखने का। तो जैसा आप देख सकते हैं कैनन की ब्रांडिंग, ये आपका व्यू फाइंडर हो गया और यहाँ पर आपका डायल है। यहाँ पर जैसा देख सकते हैं कैप्चर करने के लिए ये बटन है और ये लॉक कर सकते हैं आप ऑन ऑफ। और ये देखते हैं हमारा जो स्क्रीन है, यहाँ से ऐसे उंगली को रख के ऐसे खोलना है और इसको आप इस तरीके से टिल्ट कर सकते हैं, 180 डिग्री रोटेट होगा ऐसे करके, आप ऐसे रख के चाहे तो आप वीडियो बनाइए या फोटो खींचिए, काफ़ी अच्छा है। एक कैमरा स्टैंड का माउंट है ये। तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कैमरे की, बॉडी को पहले खोल के देख सकते हैं। ये कैमरे का सेंसर है, जैसा आप देख सकते हैं खुला हुआ है सेंसर, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो सेंसर को बंद करते हैं। अब क्या, ये मेनू बटन है, अब क्या करेंगे, बैटरी कहाँ पे लगानी है। अच्छा, तो ये जो कार्ड और बैटरी का प्लेस है इसको ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ पर आपका कार्ड डलेगा, ये देख सकते हैं कार्ड के लिए ये जगह है और यहाँ पर डलेगी आपकी बैटरी। तो अंदर में आप देख सकते हैं जैसे चार वो पिन जो दिए हुए हैं और कार्ड को ऐसे इंसर्ट करना है इस वे में, ये दिख रहा होगा। अभी इसको क्लोज कर देते हैं, इसको ऐसे दबाकर इस तरह खींचकर ओपन करना रहता है, ऐसे क्लोज कर दीजिए। कैमरा माउंट स्टैंड पे माउंट करने के लिए ये है। इसके में सेंसर देख चुके हैं और ये स्विच करके आप वीडियो मोड पे डालिए या कैमरा मोड पे डालिए, मेन्यू दिया हुआ है। ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन है, इसको आप ऐसे घुमा सकते हैं और ऐसे आप रख सकते हैं इस तरीके से। व्यू फाइंडर से भी देखिए, स्क्रीन पे भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो
स्क्रीन टच स्क्रीन है, काफ़ी अच्छी है। इस तरीके से रोटेट होगा, ऐसे रख दीजिए ताकि स्क्रीन प्रोटेक्ट रहे। काफ़ी महंगा कैमरा है। व्यू फाइंडर को देखेंगे बैटरी लगाने के बाद, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, बैटरी लगी नहीं हुई है। ये आपका डायल है, इसमें आप जो भी मोड है वो सेट कर सकते हैं ऐसे। C1, C2 पे भी आप रख सकते हैं। ये कैप्चर बटन काफ़ी सही जगह पे दिया है, काफ़ी अच्छा फील होता है इसको होल्ड करने में। और ऐसा आप होल्ड करिए, क्लिक कीजिए, तो कैसा फ़ोटो आता है इसको हम देखेंगे। ये डिलीट का बटन, ये वीडियो का देखने का, ये नेविगेट करने के लिए है टच स्क्रीन पे। अगर आप मैन्युअली नेविगेट करना चाहते हैं मेन्यू को, तो इससे नेविगेट कर सकते हैं। तो बैटरी चार्ज होने के बाद इसमें बैटरी डालेंगे और फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। बैटरी लगाने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं, इसमें लेंस को बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं। ये खुलेगा, काफी टाइट पैक हो गया है लगता है। ये खुल गया, अब इसको हम बॉडी के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा कैमरा है, ये हमारा लेंस, सेम वैसी लॉक है। ये देखिए, ये जो आगे ग्रूव्स दिख रहा है, जो इस गड्ढे में है, ये उभरे हुए भाग को उसी गड्ढे में रख के नेट ऐसे रख कर ये चला गया। ठीक, अब इसको ऐसे लॉक कर देना है, लॉक हो गया। अब यहाँ से आप रोटेट करेंगे तो आपका ये लेंस आगे पीछे जैसा भी वो मूव करेगा, तो ये पीछे ला सकते हैं, ये आगे निकल गया है। ये लॉक हो गया है, ये देखिए ऐसे 50 पे रखिए या 24 पे रखिए, क्योंकि ये 24 से 50 mm का लेंस ही है। क्योंकि ये लॉक हो गया है, ये वाला पोर्शन आगे की तरफ आ जाता है, कैमरा काफ़ी अच्छा लुक मिलता है इसमें। तो इसको ये कुछ इस तरीके से दिखता है, कैमरे का साइड व्यू दोनों साइड से, R8 कैनन। इसमें आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60p तक। 2023 का मॉडल है और काफ़ी अच्छा वीडियो के लिए फुल फ्रेम कैमरा है, कोई क्रॉपिंग नहीं। इवन वीडियो पे भी आप शूट करेंगे, कोई क्रॉपिंग नहीं, ज़ीरो क्रॉपिंग, फुल फ्रेम कैमरा। तो कैमरा को किस तरीके से सेट करना है हम सीख लिए हैं। अब क्या करेंगे, इस कैमरे पे ये जो स्ट्रैप दिया हुआ है इसको कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, वो चीज़ देखते हैं।
तो काफ़ी अच्छा स्ट्रैप है, प्रोटेक्ट रहेगा कैमरा गिरने से, ये देख सकते हैं पूरा स्ट्रैप। अब इसको कैसे लगाना है वो देखते हैं। तो ये देखिए स्ट्रैप कुछ इस तरीके से खुलेगा, इसको निकालेंगे और ये जब निकल जाएगा इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। बाहर की तरफ खींचने के बाद क्या करना है, इस वाले ये वाला जो चीज़ है इसको भी इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। अब क्या होगा, कैमरे के इस वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे ऐसे आपको ऊपर की तरह से इसमें ऐसे स्लाइड करना है, ऐसे स्लाइड हो जाएगा और सेम वही चीज़ नीचे से जाएगा, ये नीचे से इस तरीके से भेज कर इसको इसमें ऐसे थोड़ा ऊपर भेजना है। ऊपर भेजने के बाद इसको फिर से इस दूसरे वाले पे डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और इसको आपको खींचना है और इसको आप इधर की ओर खींच लें। अपनी सुविधा के हिसाब से जितना आपको रखना हो अपनी सुविधा के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये अब लॉक हो गया है। ये इस तरीके से काफ़ी बेकार दिख रहा है और ये काफ़ी बड़ा भी बल्कि भी दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को थोड़ा चौड़ा रखेंगे, तो ऐसे जाते हैं और यहाँ पर रख कर इस यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, तो हमारा ये वाला हिस्सा काफ़ी चौड़ा हो गया है। ये इस तरीके से अब ये अच्छा भी दिख रहा है। सेम यही प्रोसेस दूसरी साइड में दोहरानी है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। तो सेम प्रोसेस दोहरा कर कुछ इस तरीके से हमने कैमरा के स्ट्रैप को लगा दिया है, ये कैमरा होल्ड करने में, और ये उसका स्ट्रैप। आप इसको अपने गले में लगा कर इस तरीके से होल्ड करिए, काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, कैमरा गिरेगा भी नहीं और डैमेज होने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो काफ़ी अच्छा उस तो हमने कैमरा को लगभग आधा सेट कर दिया है। अब इसमें बैटरी लगाना और मेमोरी कार्ड लगाना बच गया, उसको करेंगे हम कुछ समय बाद। तो बने रहिए वीडियो में, जब तक कि बैटरी चार्ज नहीं हो जाती तब तक। तो फ्रेंड्स, कैनन सीरीज़ के इस वीडियो में आगे हम देखते हैं। तो इसमें ये आगे लेंस लगा हुआ है। अब आपको इसको पहले खोलना कैसे है मैं ये बताता हूँ। तो यहाँ पर रेड एक लाइन दी हुई है, इसी रेड लाइन से वो लॉक होता है, इसी को पकड़ के किधर घुमाना है आपको। ये जो क्या बोलेंगे, फोकस जो है 50, 35, 28 जो जूमिंग लेंस है, जूम लेंस है, इसको ऐसे करेंगे। पहले तो इसको ओपन करते हैं, क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसको ऐसे करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। वो डिपेंड करता है आप कितने फोर्स से करते हैं, ठीक ना।
ये क्या हो रहा है कि इसको अगर लेंस इस तरीके से खुला है, लेंस को बंद करना है, तो लेंस को बंद करना है तो यहाँ 24 है, तो 24 से आगे मैं पुश करके इस तरीके से इस लेंस को क्लोज़ कर दूंगा और लेंस के कैप को मैं पहले लगा देता हूँ इस तरीके से। खोलना इसको बहुत इजी है। यहाँ पर R8 जो लिखा है उसके जस्ट नीचे पे एक बटन दिया हुआ है, वो लेंस को क्या करेगा, इसको प्रेस करने से इजेक्ट कर देगा। इजेक्ट करने के बाद आपको क्या है, इसको घुमाना है ये ऐसे, और यहाँ से लेंस निकल जाएगा। अंदर जो आप देख सकते हैं वो है आपका फुल फ्रेम कैमरा सेंसर, तो इसको ख़राब होने ना दीजिए, इसको हमेशा या तो इससे ढकी या इसके साथ जो कैप दिया था उससे ढकी। अब इसको इंस्टॉल करना है तो क्या करना है, इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रही है उस रेड लाइन और ये लेंस में जो रेड लाइन है उसको इस तरीके से मैच करेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, मैच हो जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा, फिर ऐसे आगे घुमाएंगे, एक क्लिक की साउंड सुनाई देगी, मतलब कि ये लॉक हो गया है। अब इसमें आप इसको ऐसे पकड़ के इस वाले लेंस को घुमाएंगे कैमरा वाले, तब वो काम करना शुरू कर देगा। इसको थोड़ा और प्रेस करेंगे ज़ोर से तो ये अंदर अंदर की तरफ आ जाएगा। कैनन का R8 तो कुछ इस तरीके से है कैमरा। कैमरे पे मैंने नेक स्ट्रैप लगा लिया है ताकि गिरने से बचत हो, और एक चीज़ जो है, जब बैटरी कैमरे की जो बैटरी है वो कुछ इस तरीके से चार्ज होती है, तो अभी ये फुली चार्ज हो गया है तो हमें यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे और कैमरे में डाल देंगे, इधर कैमरे में डाल देंगे। तो हमने बैटरी को चार्ज कर लिया है, अब इस बैटरी को हम कैमरे में लगाएंगे। तो इसके नीचे यहाँ पर इस वाले हिस्से को ऐसे पुश करना पड़ेगा, पुश करके ऐसे ऊपर उठाएंगे कुछ इस तरीके से, ये इसको ऐसे लगाएंगे ये, क्योंकि वो जो चमकने वाले तार दिख रहे हैं वो इससे कनेक्ट होने चाहिए। एक बार फूंक लेंगे कुछ इस तरीके से, ये अंदर जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। खोलते समय इसको ऐसे करेंगे, ये बाहर की तरफ पुश करेगा, जो स्प्रिंग था वही पुश करेगा, ये ऐसे हो गया है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे ये सैनडिस्क का एक्सट्रीम प्रो 200 Mbps स्पीड वाली, 128 GB का कार्ड यूज़ करेंगे। तो इस कार्ड को ऐसे निकालना है, कार्ड को निकालने के बाद क्या करना है, जहाँ पर बैटरी लगा है उसी के जस्ट आगे में ये यहाँ पे इसको लगाना है। किस डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि इस तरीके से लगाना है बोल रहा है, मतलब कि ये जो कर्व या कटा हुआ जो साइड है वो इस साइड होना चाहिए ऐसे, और दिख भी रहा है अंदर से ऐसे, देखने पे पता चलता है कि इस पर जो अटैच होने वाले वहाँ पर जो इससे जो अटैच होने वाले सेम कलर के जो पिंस हैं वो ऐसे ऊपर उठे हुए हैं, तो ये इस तरीके से अंदर जाएगा। ये हमारा SD कार्ड कहाँ है पहले ये देख लेते हैं। 128 GB का कैमरे का कार्ड है, ठीक ना, ये हमारा HDXC है जो, तो इसको हम लॉक लॉक मोड पे डाल देते हैं इस तरीके से,
लॉक कर देंगे तो क्या होगा, फॉर्मेट नहीं हो पाएगा, तो डिलीट नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको हम अंदर की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे, ये ऐसे सेट हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं, इसको उल्टा करके देखते हैं क्या जाता है, नहीं जा रहा है, ये इसी डायरेक्शन में अंदर जाएगा और ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। अब इसको ऐसे क्लोज कर देना है। कैमरे में हमने बैटरी भी डाल दी और अब कैमरा को ऑन कैसे करना है, इस चीज़ पे पहले तो लेंस से ढक्कन हटा लेते हैं। ये लेंस से अभी तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अब इसको ऑन कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे AF ऑन लिखा है, ये तो ऑटो फोकस ऑन है, ये ऑन बटन नहीं है। कई लोग इसको ऑन बटन समझ लेंगे, तो यहाँ पर ऑफ पे है, ये लॉक पे चला गया। और इसको हम करेंगे लॉक पे है क्योंकि, तो पहले डेट एंड टाइम सेट कर लेते हैं। इसमें दिखने भी लग गया है, इसको इस तरीके से मोड़कर फोकस को मैनेज करते हैं, ऑटो फोकस को, ये वीडियो, और इसको ऑन पे डालते हैं। अब चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का, ये हमारा इतना जूम हो रहा है, तो ये ऐसा है। अब इसमें ऑटो फोकस ऑन करेंगे तब ये इसको फोकस पे ले लेगा। जूम कितना कर सकते हैं, क्योंकि 2450 का लेंस है, इतना ही जूम होगा, इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। ऑटो फोकस ऑन ऐसा आप कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट, इसको साइड हटाते हैं पहले, पहले तो ये एक ऑब्जेक्ट रख लिया हमने। अब इसको कितना जूम कर सकते हैं वो देखते हैं। जूम इसको इतना ही, इतना जूम कर सकते हैं, ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कम से कम 2470 का लेंस चाहिए अच्छे जूम करने के लिए, लेकिन वीडियो बनाने के लिए ये काफ़ी है। अब देखते हैं, इसमें ऑटो फोकस को दबाएंगे, ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा फोकस पे, और कैमरा कौन से मोड पे है पहले देखना है आपको। तो कैमरे मोड पे है, यहाँ पर कैमरा का बटन है, तो इस तरीके से मैं उसको टच स्क्रीन पे लेके ऐसे इस तरीके से टच स्क्रीन पे फोकस पे लेके कैप्चर कर सकते हैं आप। ISO आप बढ़ा सकते हैं, ISO मैं रखूँगा मैक्सिमम ISO पे, और एकदम डार्क दिख रहा है। एक्सपोजर कम करते हैं, 400 पे रखते हैं, 800 ISO पे रखते हैं, और बटन दबाकर ऑटो फोकस डालकर क्लिक करते हैं। C1 पे है, C2 पे रखते हैं, इस तरीके से कि
कितना ब्राइटनेस है उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, एक्सपोजर कंटिन्यू, ये आप क्रिएटिव फिल्म के लिए है, स्पेशल सीन के लिए है, हाइब्रिड इंटेलिजेंस ऑटो पे शूट कर सकते हैं, ये ऑटो इंटेलिजेंस पे रखते हैं और ट्राई करते हैं रॉ फाइल खींचने की, ये बटन प्रेस करने पे खींच जाता है। तो कुछ इस तरीके से, ये कौन सा बटन है देखते हैं, रेड वाली टच कर दें, रिकॉर्डिंग की बटन है, तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करना हो तो डायरेक्ट इस वाले बटन से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑटो फोकस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब इन सभी चीज़ों को हटाते हैं और रिकॉर्डिंग को इसी बटन से ऑफ करते हैं और मेन्यू पे जाते हैं। ये इसमें आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं, मेन्यू पे ही जाके कैंसिल करना है। यहाँ इसमें जाके हमने जो वीडियो खींचा था उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो ये वॉइस भी मतलब रिकॉर्ड करता है और वीडियो के अलावा जो हमने फ़ोटो खींचे हैं उसको देखना है तो मेन्यू पे जाएंगे और इस तरीके से स्लाइड करेंगे उसी पे, तो वीडियो और फोटो दोनों आते जाएंगे। व्यू फाइंडर को आँख में लगा कर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी व्यू फाइंडर से नज़र आ रही है। वैसे तो इसको आप पीसी में रखेंगे तब आपको समझ आएगा कि फ़ोटो कितना अच्छा आया है, ऐसे तो नहीं समझ आएगा। एक बार व्यू फाइंडर को जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि व्यू फाइंडर में क्या चल रहा है। बिल्कुल जब तक आँख से ये बंद नहीं होगा तब तक आपको नज़र नहीं आएगा। तो काफ़ी अच्छा कैमरा कैनन द्वारा, फुल फ्रेम, तो इसको आप लॉक कर सकते हैं और ऐसे ऑफ कर सकते हैं, सेंसर क्लीन हो रहा है उसके बाद ऑफ हो जाएगा। कैमरा काफ़ी अच्छा है, आप इस फ़ोटो को किसी अच्छे मॉनिटर पे रखिए और रिज़ल्ट देखिए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द रिव्यू ऑफ कैनन R8 कैमरा। सो थैंक यू। तो कैमरा कुछ इस तरीके का इंटरफेस दे रहा है जैसा आप देख सकते हैं। जो एक्चुअल फ़ोटो आती है और जो कैमरे की स्क्रीन में जो फ़ोटो दिखता है उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है, वो चीज़ हम समझेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि अगर किसी ने नया कैमरा परचेज किया हुआ है तो उसको कुछ बेसिक्स आने चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर जहाँ पर ये ऑटो फोकस है उसको आप मैनुअल पे करेंगे फोकस को, तो इस वाला जो रिंग है इसको आप मैनुअली फोकस इससे सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसको मैनुअल फोकस में आप शिफ्ट करें, उसके बाद ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ऑटो फोकस में आप स्क्रीन को टच करके ही फोकस कर सकते हैं। मैं स्टेबलाइज़र को हमेशा ऑन रखें क्योंकि वीडियो शूटिंग में ये जो है चीज़ों को स्टेबलाइज करके रखेगा, ज़्यादा आपको जो है फ्रेम हिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये जो है लेंस को आप अंदर बाहर कर सकते हैं, मतलब
ये आपका किट लेंस है, 24-50 का किट लेंस इसके साथ दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक हो सके कन्वर्टर यूज़ ना करें या अडाप्टर यूज़ ना करें, क्योंकि ओरिजिनल लेंस में जो क्वालिटी आएगी वो आपको अडाप्टर के थ्रू, जो आप पुराना किसी और कैमरे का लेंस यूज़ करेंगे उसमें वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है अभी ऑफ पे है, इसको ऑन करेंगे कुछ इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से ऐसे खुल जाएगा। अगर कोई एकदम बिगिनर है तो वो इस डायल को A+, मतलब ये फुली ऑटोमेटिक मोड पे है। अगर आपको सारी चीज़ें, अगर प्रोफेशनल कैमरामैन है तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं, मैनुअल पे वो सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। नॉर्मली हम समझेंगे कि किसी न्यू पर्सन ने कैमरा परचेज़ किया है तो उसको फुली ऑटोमेटिक पे सेट कर देंगे, और इसके बारे में आगे देखेंगे। ये आपका कैमरे का लेंस है, इसमें आप पोलराइजर, यूवी फिल्टर लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें फिल्टर लगा हुआ है, तो देख सकते हैं कि ऑटो मोड, सीन इंटेलिजेंस ऑटो मोड है, टच स्क्रीन काम कर रहा है, ऐसे टच करके आप ऑटो फोकस कर सकते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस पर टैप करके यहाँ पर आप उसको ऑटो फोकस, ऑटो मोड पे है, प्रीसेट्स में माइनस पे रखें, कोई सेटिंग्स नहीं। ये आप लेंस को ओपन करें तो फोकस पॉइंट आपको मिलेगा, तो लेंस को आपको दूर करना पड़ेगा ताकि आपको फोकस पॉइंट मिले। इस तरह से कैमरा का जूम करूँगा तो फोकस पॉइंट नहीं मिल रहा है इतने पास से, तो उसी वजह से यहाँ पर फोकस पॉइंट मिल रहा है तो क्लियर आ रहा है। तो ये कैमरा है। अब इस पे लॉक, ये जो लॉक ऑप्शन है, लॉक ऑप्शन में क्या होगा कि जो सेटिंग्स आप अप्लाई किए रहेंगे और किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जिसको कुछ आता नहीं और वो आपकी सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो आप लॉक ऑप्शन पे रखिए और ताकि उसी सेटिंग्स पे वो शूट कर पाएगा। ये डायल, और ये डायल क्या होता है, जब आप व्यू फाइंडर में अपनी आँख रखेंगे तब उस समय ये जो मेन स्क्रीन पे जो मेन्यूज आते हैं या ये जो मेन्यू है उसी को, जैसे अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ नीचे जा रहा है और इससे भी कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, तो ये यही चीज़ें हैं, ये इसी के काम आती हैं। तो अगर व्यू फाइंडर में आँख रख दोगे तब टच स्क्रीन तो उस समय रहेगा नहीं, तो ये चीज़, ये डायल और ये डायल आपके चीज़ों को चेंज करने के, सेटिंग चेंज करने के काम आएंगी। यहाँ पर आप फ्लैश रख सकते हैं निकाल के, इसको काफ़ी जोर से इस तरफ पुश करना पड़ता है, मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि फ्लैश है नहीं मेरे पास अभी। और यहाँ पे मेन्यू बटन है, इस मेन्यू बटन में जैसे इमेज स्टेबलाइजर तो मैंने वहाँ पर ऑन कर दिया है, यहाँ पे अलग अलग, जैसे नंबर 1 पे देखेंगे शूटिंग मोड है क्योंकि ऑटो मोड पे है, इमेज क्वालिटी, हाँ ये चीज़ देखने वाली है। यहाँ पे अगर L जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सॉरी ये तो ये यहाँ से क्या होता है, इस स्क्वायर से सिंगल शूटिंग मतलब सिर्फ एक फोटो लेगा, इसमें मल्टीपल दे रहा है, 4 का देगा, तो इसमें आप शूटिंग कितना शूट करना है वो सेट कर सकते हैं। टाइमर इधर जो दिया हुआ है 2 सेकंड में एक पिक्चर लेगा, अपने हिसाब से उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये L लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि आपको इमेज क्वालिटी कौन सी रखनी है, रॉ रखनी है, रॉ मतलब जो नेचुरल फोटो आनी है वो, और L मतलब जो है उसको जेपेग में कंप्रेस कर देगा, तो जेपेग में कंप्रेस कर देगा तो मैं रॉ की जो क्वालिटी रहती है वो नेचुरल रहेगी। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फोटोशॉप में जाके उसको सेट करना पड़ेगा,
जो रॉ क्वालिटी है उसमें कलर एडजस्ट करना पड़ेगा। जबकि अगर रॉ को हम माइनस कर दें और सिर्फ एल सेलेक्ट करें और यहाँ रॉ को माइनस कर दें तो ये सिर्फ जेपेग में होगा, काफ़ी कंप्रेस्ड फोटो आएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फोटो खींचिए और ये आप किसी भी डिवाइस में ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस वाले बटन को प्रेस करके आपको फोटो क्या है शूट करनी है ऐसे। तो ये धीरे प्लेस प्रेस करेंगे तो ये ऑटो फोकस लेगा और इसी को जो ये बता रहा है कि इस सेटिंग्स पे है। अब इसको टच करना पड़ेगा आपको और फिर उसके बाद फोटो लेना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सेट कर दीजिए आप एक प्रीसेट, माइनस पे रखिए, अब लीजिए फोटो। तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ये जूम कर सकते हैं आप, एक माइक्रोस्कोप लेंस है ये, माइक्रोस्कोप लेंस, इसे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अब देखते हैं, ये कैमरा मोड पे होना चाहिए शूट करने के लिए, कैमरा मोड पे है। ये जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन है, इसको प्रेस करते ही वीडियो रिकॉर्ड होने लगेगा। और इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये एक रिमोट कंट्रोल के लिए, यहाँ पर जो पोर्ट दिया हुआ है ये माइक के लिए आपको पोर्ट मिलेंगे। इसमें जो एक तो आप कान में सुनने वाला माइक जो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसके लिए हेडफोन भी लगा सकते हैं और दूसरा आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला माइक लगा सकते हैं। यहाँ पर एक माइक्रो HDMI है, मतलब जो बड़ा वाला HDMI है उसी का छोटा ये HDMI है, उसको आप किसी भी मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका टाइप सी है, इससे डाटा ट्रांसफ़र चार्जिंग आप इस कैमरे का कर सकते हैं। और इस साइड देखें तो इसी साइड में यहाँ पर नीचे की तरफ देखें आप तो यहाँ पर जो है कैमरा स्टैंड का माउंट है। और इसको खोल कर देखें तो बैटरी और आपका SD कार्ड इसमें लगा हुआ है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ऑटो मोड पे सेट कीजिए और इसको जेपेक मतलब एल पे रखिए ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इस तरीके क्योंकि लॉक है तो फोटो मिल नहीं रहा है, इसको ऑन कीजिए, ऐसे टच कीजिए और ऐसे क्लिक करेंगे, ऑटो फोकस ले रहा है, वो रेडी कर रहा है। और उसके बाद ऐसे क्लिक करेंगे तो वो ले लेगा ऐसे, कैमरा उसको कैप्चर कर लेगा। फोटो को देखना है तो इस वाले में आप क्लिक करिए, कुछ इस तरीके से मैंने फोटो लिए हैं और वीडियो लिए हैं, इसके सैंपल्स मैं अपलोड करूँगा। काफ़ी अच्छा स्क्रीन में भी दिख रहा है, इसको मैंने विविड फिल्टर लगा कर लिया है, रॉ नहीं है ये, ISO 640 पे लिया गया है। वो ब्राइटनेस जितनी रहती है ISO उस पे डिपेंड करता है। इन्फो से आप इस कैमरे का ये जो फोटो है वो रॉ है और इसका अपर्चर साइज, फोकल लेंथ और इसकी साइज रॉ और जेपेग दोनों में है। और इसके जो कलर्स हैं वो देख सकते हैं आप, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो इस कुछ इस तरीके से ये कैमरा वर्क करता है। ये व्यू फाइंडर है, यहाँ आप आँख रखोगे तो डिटेक्ट कर लेगा और स्क्रीन को ऑफ कर लेगा और व्यू फाइंडर में आपको चीज़ें दिखने लगेगी। साइड में ये जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है ये उन लोग के लिए है जिन लोग के आँख में चश्मा लगा रहता है, तो प्लस माइनस कर सकते हैं और बिना चश्मे के इस व्यू फाइंडर से क्लियरली देख सकते हैं। तो ये मेन्यू हो गया, ये वीडियो का हो गया, ये अपना डायल हो गया, रिकॉर्ड मल्टी फंक्शन बटन इसके साथ काम आता है, और ऑटो फोकस करने का है,
और यहाँ पर डिलीट करने का बटन है, ये मूव करने का है चार साइड्स, और ये सेट करने का है, कुछ भी चीज़ आपको सेट करना है तो ये ऐसे मूव होगा चीज़ें। बीच वाला ओके बटन है जैसे मोबाइल में रहता है, ये रोटेट का हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है, कैनन का USR8 फुल फ्रेम है। तो कुछ दिन इसको यूज़ करते हैं फिर इसका आगे का रिव्यू देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा, इसको क्लोज करना है तो यहाँ 24 पे लाइए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए, ये लेंस अंदर चला जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसको प्रोटेक्ट रखना है, डस्ट ना जाए, इसलिए इस वाले को कैप को कुछ इस तरीके से लगाना है और इसको ऐसे छोड़ देना है। अब ये कैमरा रेडी है, तो कुछ इस तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।